हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे वेव ऑप्टिक्स का एक बिल्कुल नया टॉपिक, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जो लाइट होती है यानी प्रकाश जो होता है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होती हैं जिनके प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, यानी जो बिना माध्यम के एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं, निर्वात से होकर के चल सकती हैं, वैक्यूम से होकर चल सकती हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ठीक, और नेचर में ये ट्रांसवर्स वेव मानी जाती है। ट्रांसवर्स वेव माने अनुप्रस्थ तरंगे। आपने 11th में ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ा होगा। ठीक, कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती हैं, वो वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक, तो वो तरंगे, ठीक, जिनके चलने पर, ये तो आप जानते हैं कि जब कोई वेव मीडियम में चलती है, ठीक, तो मीडियम के पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं। अगर पार्टिकल के वाइब्रेशन वेव प्रोपोगेशन के पैरेलल हो रहे हैं, तरंग चलने की दिशा के समांतर हो रहे हैं, जैसे कोई वेव ऐसे चल रही है और ये मीडियम के पार्टिकल हैं, जिस मीडियम में वेव चल रही है ये उसके पार्टिकल है, और ये अगर वेव प्रोपोगेशन के पैरेलल वाइब्रेट हों, ऐसे वाइब्रेट होगी, ठीक, तो ये वेव जो होती है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाती है। ठीक, अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। और अगर इन्हीं पार्टिकल के जो वाइब्रेशन है, ये पार्टिकल है, इसके वाइब्रेशन वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर अगर हों, ऐसे वाइब्रेट हो, ठीक, तब ये वेव जो होती है ये ट्रांसवर्स वेव कहलाती है। ट्रांसवर्स वेव यानी अनुप्रस्थ तरंग। तो हम लोग प्रकाश तरंगों को नेचर में ट्रांसवर्स मानते हैं। हम ये मानते हैं कि प्रकाश तरंगें जो होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। अब यहां ये बात समझने वाली है कि ट्रांसवर्स वेव वो वेव होती है, अनुप्रस्थ तरंग वो तरंग होती है जिसके चलने पर मीडियम के पार्टिकल वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट होते हैं, लंबवत कंपन करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो वैक्यूम से होकर चल सकती है, इनके चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती नहीं। तो अगर मीडियम है ही नहीं, तो ना मीडियम है तो फिर उसके पार्टिकल भी नहीं है, पार्टिकल नहीं है तो वाइब्रेट कौन कर रहा है, जो इसको हम ट्रांसवर्स वेव कह रहे हैं। तो याद रखिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग ट्रांसवर्स वेव इसलिए नहीं कहते कि मीडियम के पार्टिकल जो है परपेंडिकुलर वाइब्रेट होते हैं, इसके चलने के लिए तो माध्यम की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ इसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये वेव चलती हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है ये दोनों वाइब्रेट होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरा एक चैप्टर है, ये आपको पढ़ाया जाएगा, उसमें आप पढ़ेंगे कि जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होते हैं, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, जिनके मान लगातार बढ़ते घटते रहते हैं। तो उनके मान लगातार बढ़ते घटते रहते हैं, वैल्यू उनकी लगातार वेरिएबल होती है। ठीक, तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, ये दोनों होती वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो इनको रिप्रेजेंट करने वाला जो वेक्टर जब हम बनाते हैं, आप ये भी जानते हैं कि किसी वेक्टर का जो लेंथ होती है, किसी वेक्टर की जो लंबाई होती है, वो उसके मैग्नीट्यूड यानी परिमाण को रिप्रेजेंट करती है। तो मान लीजिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो 0.2 था, तो उसको हमने इतने बड़े वेक्टर से दिखाया, तब तक वो 0.3 हो गया। अब उसकी वैल्यू बढ़ गई तो वेक्टर को हमें बड़ा करना पड़ेगा, फिर 0.4 हो गई, फिर 0.5 हो गई, 0.5 के बाद फिर वो घटकर 0.4, 0.3, 0.20 हो गया। उसके बाद फिर उसकी वैल्यू निगेटिव हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव होने का मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। अगर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर था तो अब नीचे की ओर हो गया। अब नीचे की ओर मान लीजिए 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.5 के बाद फिर 0.4, फिर 0.3। तो अगर आप देखें तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लगातार वैरी करता है, उसकी वैल्यू लगातार चेंज होती है, तो उसको रिप्रेजेंट करने वाला जो वेक्टर है उसका टिप पहले यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इधर गया, फिर नीचे आया। तो ऐसा लगता है जैसे ये क्या हो रहा है, जब कोई पार्टिकल हम वाइब्रेट होते दिखाते हैं तो वो अपनी मीन पोजीशन से ऊपर नीचे ऐसे ऐसे तो वाइब्रेट होता है, वैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो टिप है ये ऊपर नीचे जा रहा है, तो हम कहते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो वाइब्रेट हो रहा है। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज होती रहती है, तो उसको रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर का टिप भी ऊपर नीचे जाता है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट होता रहता है। तो इसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है वाइब्रेट होते हैं, और इनके वाइब्रेशन जो होते हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर और वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं। यानी अगर हम मान लें
कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशन अगर वाई एक्सिस के अलोंग हो रहे होंगे, यानी वैद्युत क्षेत्र वेक्टर जो है अगर वाई एच के अंदर कंपन कर रहा होगा, तो जो चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर है ये जेड एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट होगा, तो वेव एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जेड एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट हो रहा है, यानी तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो लाइट को, प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसे हम नेचर में ट्रांसवर्स क्यों कहते हैं, अनुप्रस्थ क्यों कहते हैं, अनुप्रस्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ कण नहीं, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये दोनों वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट होते हैं। अगर वेव ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऐसे ऐसे वाइब्रेट होगा। तो ये हो गया तरंग चलने की दिशा, ये हो गई मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वाइब्रेशन डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फिर ऐसे वाइब्रेट होगा, तो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशन जो होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने के साथ साथ वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं, तरंग चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं वैद्युत क्षेत्र वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर। इसलिए हम इन्हें नेचर में, इन तरंगों को हम लोग कहते हैं कि तरंगें नेचर में कैसी होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। समझ में आ गई बात आप लोगों को? तो इन तरंगों को हम लोग नेचर में अनुप्रस्थ क्यों कहते हैं? अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलिए, अब पोलराइजेशन जो है, इस चैप्टर में हमें केवल लाइट के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से मतलब है। हम लोग ये कहते हैं कि लाइट में जो लाइट इफेक्ट होता है, प्रकाशीय प्रभाव जो होता है, वो वैद्युत क्षेत्र वेक्टर के कारण होता है। इसलिए हमें सिर्फ इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से मतलब है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को हम लोग लाइट वेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि प्रकाश में जो प्रकाशीय प्रभाव होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के कारण होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से हमें यहाँ मतलब नहीं है, यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से ही मतलब होगा। अब होता यह है कि जो ऑर्डनरी लाइट होती है, ऑर्डनरी लाइट यानी नॉर्मल जो लाइट होती है, बल्ब से आ रही है, सन से आ रही है, किसी भी सोर्स से आ रही है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यानी वैद्युत क्षेत्र वेक्टर, ठीक, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर, या इसी को हम लोग प्रकाशीय वेक्टर भी कहते हैं। तो ऑर्डनरी लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यानी प्रकाशीय वेक्टर जो होते हैं, ये प्रकाश चलने की दिशा के लंबवत एक तल में सभी दिशाओं में एक समान रूप से कंपन करते हैं, सभी डायरेक्शन में सिमेट्रिकली वाइब्रेट होते हैं, एक समान रूप से, यानी किसी डायरेक्शन में ज़्यादा वाइब्रेशन है, किसी डायरेक्शन कम, ऐसा नहीं होगा, सभी डायरेक्शन में एक समान रूप से कंपन करते हैं। ठीक, तो जैसे मान लीजिए कि लाइट ऐसे बोर्ड से निकल कर इधर आ रही है, ऐसे लाइट आ रही हूँ, ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होगा वो इस प्रकाश चलने की दिशा के लंबवत एक तल में, जैसे बोर्ड का प्लेन लाइट चलने के परपेंडिकुलर है, तो उसके परपेंडिकुलर प्लेन में सभी डायरेक्शन में ऐसे वाइब्रेशन हो रहे होंगे, हर डायरेक्शन में ऐसे, ये लाइट ऐसे जा रही है और वाइब्रेशन जो होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के, वो सभी डायरेक्शन में हो रहे होंगे। अब यहां पर कुछ लोग ये सोचते हैं कि सर, ये जो आपने पहले बात बताई थी ये तो ऐसी नहीं थी, इसके हिसाब से तो अगर लाइट अगर ऐसे जा रही है, तो अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट हो रहा है, तो ये फिर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होना चाहिए, क्योंकि ई और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और आप यहां ये कह रहे हो कि लाइट अगर ऐसे जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, सभी डायरेक्शन वाइब्रेट होंगे। अभी तो आपने बताया था कि ई और बी, यानी अगर ये मान लीजिए एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, तो ये वाई एक्सिस हो गई, तो फिर ये जेड एक्सिस हो गई, तो अगर वाई एक्सिस में ई है तो ये बी होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। होता ये है कि कोई भी लाइट रे जो होती है, कोई भी प्रकाश किरण जो होती है, वो बहुत सारे प्रकाशी स्पंदों से मिलकर बनी होती है, यानी एक प्रकाश किरण बहुत सारे प्रकाशी पल्स से मिलकर बनी होती है। ठीक, अब लाइट कैसे निकलती किसी सोर्स से, वो जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरे एटम, जब एक ऑर्बिट एक अपने हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो वो फोटॉन इमिट करता है। खैर, वो बात की बात है। अभी यहां ये समझिए सरल भाषा में कि एक प्रकाश किरण जो होती है ये बहुत सारे प्रकाशी स्पंदों से मिलकर, इंग्लिश में से बोलते हैं लाइट पल्स से मिलकर बनी होती है। अब किसी एक पल्स में, मान लीजिए लाइट हम बराबर ही मानेंगे ऐसे आ रही है, एक पल्स में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे है,
मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऐसे है और लाइट ऐसे जा रही है। तो देखिए यहाँ ई बी एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर हैं और लाइट प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर हैं। अच्छा, लेकिन इसी से जो दूसरा पल्स आया उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कुछ ऐसे हो गया, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऐसे है, देखिए यहाँ इनके बीच का एंगल 90 है और लाइट ऐसे जा रही है। तो यहाँ भी देखिए ई बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और ये लाइट के भी परपेंडिकुलर हैं। फिर एक तीसरा पल्स आया जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऐसे है। तो क्या यहाँ ई और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है? बिल्कुल है, और लाइट ऐसे जा रही है। तो हर पल्स में देखेंगे तो ई और बी परपेंडिकुलर होंगे और दोनों लाइट प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होंगे। लेकिन एक लाइट रे ऐसे बहुत सारे पल्स से मिलकर बनी होती है, यानी अगर कोई लाइट रे है तो उसमें ये पल्स भी शामिल होगा और ये पल्स शामिल है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे वाइब्रेट हो रहा होगा। फिर ये पल्स भी उसमें शामिल है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे भी वाइब्रेट हो रहा होगा। ये पल्स भी शामिल है ऐसे भी, फिर कोई पल्स ऐसा होगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे होगा। तो इसीलिए एक लाइट रे में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होते हैं वो लाइट प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एक प्लेन ये है, इसमें सभी डायरेक्शन में क्या होते हैं? वाइब्रेट होते हैं। तो सर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहे होंगे क्योंकि ये पल्स के कारण इधर, इसके कारण इधर, इसके कारण इधर। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट होते हैं, पर उससे हमें यहाँ मतलब नहीं, क्योंकि मैंने बताया पोलराइजेशन में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से ही मतलब होगा, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर से ही मतलब है, इसलिए इसी की बात केवल कर रहे हैं। तो ये आपके समझ में आ गया कि जो ऑर्डिनरी लाइट होती है, जो साधारण प्रकाश होता है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होता है ये प्रकाश चलने की दिशा के लंबवत एक तल में सभी दिशाओं में एक समान रूप से कंपन करता है। ऐसे प्रकाश को हम लोग अध्रुवित प्रकाश कहते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। जैसे यहाँ दिखाया गया कि एक सोर्स है, इससे लाइट रे ऐसे जा रही है और इस लाइट रे के परपेंडिकुलर एक ये प्लेन है और इस प्लेन में वाइब्रेशन ऐसे भी हो रहे हैं, ऐसे भी हो रहे हैं, ऐसे भी हो रहे हैं, ऐसे भी हो रहे हैं। ये देखिए ये प्लेन है जो लाइट प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर ऐसे है, ये प्लेन समझिए, ठीक। अब इसमें वाइब्रेशन ऐसे 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 हर तरफ हो रहे हैं, ठीक। तो ऐसा प्रकाश जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होता है, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर जो होता है, वो प्रकाश चलने की दिशा के परपेंडिकुलर लंबवत सभी डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली वाइब्रेट होता है, किसी डायरेक्शन में कम किसी डायरेक्शन में ज़्यादा ऐसा नहीं होगा, सभी डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली वाइब्रेट होता है। ऐसे प्रकाश को हम लोग अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं या अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, समझ में आ गया, ठीक। अब पोलराइज लाइट किसे कहते हैं या प्लेन पोलराइज लाइट किसे कहते हैं? होता यह कि कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं, जैसे एक होता है टूरमैलिन क्रिस्टल, उससे अगर ऐसे प्रकाश को हम गुजारें, जैसे मान लीजिए टूरमैलिन क्रिस्टल है, तो ऐसे क्रिस्टल की खास बात यह होती है कि इनकी एक एक्सिस होती है, ठीक, और इसे हम लोग पासिंग एक्सिस भी कह सकते हैं कि ये क्रिस्टल से जो लाइट बाहर आती है, ठीक, वही लाइट बाहर आती है या वही वाइब्रेशन इससे बाहर आते हैं जो इसकी एक्सिस के पैरेलल हो रहे होते हैं। बल्कि ये कहना ज़्यादा अच्छा है कि इससे जो वेक्टर बाहर आते हैं उसमें वाइब्रेशन सिर्फ इसकी ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल ही रह जाते हैं। तो अगर आपने ऐसी ये जो लाइट है जिसमें सभी डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहे हैं, इसके आगे एक टूरमैलिन क्रिस्टल लगाया, मान लीजिए क्रिस्टल की ऑप्टिकल एक्सिस है, तो इससे जो लाइट बाहर आएगी उसमें वाइब्रेशन सभी डायरेक्शन में नहीं रह जाएंगे, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रह जाएंगे। किस डायरेक्शन में? जो इसकी ये जो पासिंग एक्सिस है, इसे कहते हैं पासिंग एक्सिस, ठीक, या ऑप्टिकल एक्सिस, ठीक, प्रकाशीय अक्ष, ठीक, इसी प्रकाशीय अक्ष के समांतर कंपन जो है वो इससे बाहर आते हैं। यानी इस क्रिस्टल से जो प्रकाश बाहर आएगा उसमें जो वैद्युत क्षेत्र वेक्टर हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हैं, ये लाइट प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहे होंगे। ऐसी लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशन, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर के कंपन, प्रकाश चलने की दिशा के लंबवत केवल एक ही डायरेक्शन में रह जाते हैं, सिंगल डायरेक्शन में रह जाते हैं, ऐसी लाइट को हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। प्लेन पोलराइज लाइट हिंदी में बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश, या इसी को हम लोग लीनियर पोलराइज लाइट भी कहते हैं, लीनियर पोलराइज लाइट या रेखीय ध्रुवित प्रकाश। तो समतल ध्रुवित प्रकाश या रेखीय ध्रुवित प्रकाश या केवल हम लोग ध्रुवित प्रकाश भी बोल सकते हैं, यानी इंग्लिश में प्लेन पोलराइज लाइट, लीनियर पोलराइज लाइट या पोलराइज लाइट बातें की है। और ये हमने पोलराइज लाइट के सिंबल बनाया हुआ है, इस सिंबल में दिखाया कि लाइट ऐसे जा रही है और वाइब्रेशन केवल एक ही डायरेक्शन में ऐसे ऐसे हो रहे हैं, बस खाली इसी डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहे हैं। तो ये प्लेन पोलराइज लाइट हुई, ये भी प्लेन पोलराइज लाइट का सिंबल है,
इसमें दिखाया लाइट ऐसे जा रही हो और लाइट रे के ऊपर मैंने इसे डॉट बना दी, तो डॉट का मतलब है कि वाइब्रेशन ऐसे ऐसे हो रही हूँ, ये लाइट जा रही है और वाइब्रेशन ऐसे ऐसे हो रहे हैं, लाइट ऐसे बोर्ड के, जैसे ये लाइट जा रही तो बोर्ड के अंदर बाहर ऐसे वाइब्रेशन, तो इसमें भी तो फिर एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा है ना, तो ये दोनों ही प्लेन पोलराइज्ड लाइट हैं, हालांकि ये दोनों परपेंडिकुलर प्लेन में लंबवत तलों में ध्रुवित हुए, ये दोनों प्रकाश समतल ध्रुवित हैं लेकिन एक दूसरे के लंबवत तलों में ध्रुवित हुए हैं। एक दूसरे के लंबवत तलों में क्यों? क्योंकि देखिए इसमें जो कंपन हो रहे हैं वाइब्रेशन वो इस बोर्ड के प्लेन के पैरेलल हो रहे हैं, और इसमें जो वाइब्रेशन हो रहे हैं वो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर हो रहे हैं, तो वेक्टर्स के वाइब्रेशन की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो हम कहते हैं ये दोनों ध्रुवित प्रकाश हैं लेकिन एक दूसरे के लंबवत तलों में क्या है, ध्रुवित हुए। समझ में आ गई बात? तो हम लोगों ने समझा कि अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है, जिसमें वाइब्रेशन लाइट प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर सभी डायरेक्शन में हो रहे होते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट। जब वाइब्रेशन केवल एक ही डायरेक्शन में रह जाए, ठीक, लाइट प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर केवल एक डायरेक्शन में रह जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक, या लीनियर पोलराइज्ड लाइट, हिंदी में बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश या रेखीय ध्रुवित प्रकाश या केवल ध्रुवित प्रकाश। और इस तरह की लाइट को इस तरह की लाइट में बदलना, यानी अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की जो ये प्रक्रिया है, इसे हम लोग प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट या प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है, एक लाइन में बोले तो अनपोलराइज्ड लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में बदलने का जो फिनोमेना है, इसे हम लोग पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहते हैं। अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने का ये प्रक्रिया जो है, ये जो घटना है, इसे हम लोग प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। क्लियर हो गया प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है? ठीक। अब जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है, ठीक, प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होती है, इसके लिए दो टर्म जो है वो यूज में आते हैं, कि किसी समतल ध्रुवित प्रकाश का प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इसे हम लोग बोलते हैं कंपन तल, ठीक, और दूसरा होता है कि प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन का मतलब हुआ कि ध्रुवण तल किसे कहते हैं। तो किसी समतल ध्रुवित प्रकाश के लिए, जो समतल ध्रुवित प्रकाश है उसके लिए प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ये जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन या प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जो होते हैं, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट में होते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट में नहीं, ठीक। तो किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए प्लेन ऑफ वाइब्रेशन या प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है, ये हम लोगों को देखना है। तो देखिए जरा क्या होता है, प्लेन ऑफ पोल वाइब्रेशन हम उसे कहते हैं, यानी वो तल जिसमें प्रकाश चलने की दिशा भी स्थित हो और वेक्टर्स के वाइब्रेशन की डायरेक्शन भी स्थित हो, दोनों पाए जाएं, उसे हम लोग कहते हैं कि ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, कंपन तल है। और वो तल जिसमें सिर्फ प्रकाश चलने की दिशा स्थित हो, वेक्टर के वाइब्रेशन जिसके परपेंडिकुलर हो रहे हो, उसे हम लोग बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ठीक, या ध्रुवण तल बोलते हैं। अगर हम यहां फिगर में दिखाएं आपको, एक फिगर में देखते हैं हम लोग इसको, मान लीजिए दो प्लेन हैं, एक प्लेन ऐसे एक प्लेन ऐसे, ठीक, और जो लाइट है, लाइट रे जो है वो ऐसे जा रही है,
ये समझिए लाइट रे ऐसे जा रही है, तो इस लाइट रे से दो प्लेन गुजर रहे हैं, एक ऐसे वर्टिकल एक ऐसे हॉरिजेंटल, एक ऐसे वर्टिकल एक ऐसे हॉरिजेंटल, ठीक। तो लाइट रे ऐसे जा रही है, अब इमेजिन करिए एक वर्टिकल प्लेन है एक हॉरिजेंटल प्लेन है, ठीक। ये वर्टिकल प्लेन है और रेड वाला हॉरिजेंटल प्लेन है। अब अगर ये प्लेन फॉर लाइट है यानी समतल ध्रुवीय प्रकाश है तो उसमें वैक्टर्स के वाइब्रेशन केवल एक ही डायरेक्शन में हो रहे होंगे। अब मान लेते हैं हम कि वैक्टर के जो वाइब्रेशन है वो ऐसे हो रहे हैं, तो अगर वेक्टर के वाइब्रेशन ऐसे हो रहे हैं तो अगर आप ध्यान दें तो ये जो वर्टिकल प्लेन है ऊर्ध्वाधर तल है इसमें प्रकाश चलने की दिशा भी स्थित है। भाई ये लाइट रे ऐसे जा रही थी, इसी से होकर तो ये वर्टिकल प्लेन गुजर रहा है, इसका मतलब प्रकाश चलने की दिशा इस वर्टिकल प्लेन में पाई जा रही है, ठीक। और वेक्टर के वाइब्रेशन भी इसी प्लेन में हो रहे हैं, तो ये वो प्लेन हुआ जिसमें प्रकाश चलने की दिशा भी है और वेक्टर के वाइब्रेशन की डायरेक्शन भी है, तो ये हो जाएगा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन वो होता है जिसमें प्रकाश चलने की दिशा भी होती है, लाइट प्रोपोगेशन की डायरेक्शन भी होती है और वेक्टर्स के वाइब्रेशन भी उसी प्लेन में हो रहे हों, उसे हम लोग कहते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। जबकि जो क्षैतिज तल है इसमें अगर आप देखेंगे तो प्रकाश चलने की दिशा तो इसमें है, ठीक, क्योंकि ये जो लाइट ऐसे जा रही तो ये प्लेन भी तो इसी से होकर गुजर रहा था, ठीक। तो लाइट प्रोपोगेशन की डायरेक्शन तो इसमें है लेकिन वाइब्रेशन जो है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो रहे हैं, ठीक। तो ऐसा प्लेन जिसमें सिर्फ लाइट प्रोपोगेशन की डायरेक्शन हो, वाइब्रेशन जिसके क्या हो रहे हो, परपेंडिकुलर हो रहे हो, ठीक है, उस प्लेन को हम लोग कहते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो यहां पर ये जो प्लेन है ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है, क्लियर है। अगर यही हम ये दिखा देते कि ये वाइब्रेशन ऐसे नहीं हो रहे, ये वाइब्रेशन ऐसे नहीं हो रहे भाई, ध्रुवीय प्रकाश है, तो अगर हम ये दिखा दें कि वाइब्रेशन ऐसे नहीं हो रहे हैं बल्कि ये वाइब्रेशन जो है अभी दिखाया था वर्टिकल प्लेन में हो रहे हैं, अब दिखा देते हैं कि वाइब्रेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहे हैं ऐसे, ठीक। तो दिखाई ये लाइट रे ऐसे जा रही है, वाइब्रेशन ऐसे ऐसे हो रहे हैं, अब ऐसे ऐसे नहीं हो रहे, ऐसे ऐसे हो रहे हैं, ठीक। तो वाइब्रेशन ऐसे ऐसे हो रहे हैं, तो अब देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये प्लेन जो है इसी में लाइट भी चलने की दिशा भी इसी में है और वाइब्रेशन भी इसी प्लेन में हो रहे हैं, ठीक। तो अब ये जो है ये अब हो जाएगा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ठीक, और ये जो प्लेन है ये हो जाएगा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, क्योंकि इस प्लेन में अब केवल लाइट प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है और वाइब्रेशन इसके क्या हो रहे हैं, परपेंडिकुलर हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन होगा और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होगा ये दोनों हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन होंगे, कंपन तल और ध्रुवण तल ये दोनों तल हमेशा एक दूसरे के लंबवत होते हैं। कंपन तल कौन होता है, नाम से याद रखिए पता लग जाता है, कंपन तल यानी जिसमें कंपन करने की दिशा भी स्थित हो और प्रकाश चलने की दिशा भी स्थित हो, और जिसमें केवल प्रकाश चलने की दिशा स्थित है उसे हम लोग प्लेन ऑफ पोलराइजेशन बोलते हैं, क्लियर है आपको एकदम बिल्कुल। तो ये हम लोगों ने देखा इसमें, इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग इसके क्या होगा, कुछ इसमें नोट करने के लिए तो कुछ है नहीं, आप जो हेडिंग्स हैं वो भले आप नोट कर लें क्या मैंने पढ़ाया है आपको। तो चलिए हम लोग देखते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन। अब हम लोगों को इस चैप्टर में अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, अनपोलराइज लाइट क्या होती है हम लोगों ने जान लिया, ठीक, ध्रुवित प्रकाश क्या होता है वो भी जान लिया, ठीक, प्रकाश का ध्रुवण पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होती है वो भी जान लिया। अब हम लोग को ये जानना है कि कौन कौन सा मेथड है जिससे हम एक अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो उसमें सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाई रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन विद द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। तो चलिए देखते हैं परावर्तन विद द्वारा प्रकाश का ध्रुवण, ठीक है, या परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है। एक साइंटिस्ट थे मैलस, इन्होंने बताया कि जब भी कोई लाइट रे किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है, ये क्या सर जी, ट्रांसपेरेंट मीडियम में तो लाइट ट्रांसमिट हो जाएगी दूसरी तरफ निकल जाएगी, रिफ्लेक्ट क्यों होगी। मैंने आपको ये बताया हुआ है रे ऑप्टिक्स में
कि सरफेस कितना भी ट्रांसपेरेंट क्यों ना हो, पर जब भी किसी सरफेस पर लाइट गिरती है तो उसका कुछ ना कुछ पार्ट वो रिफ्लेक्ट भी करता है, और वो रिफ्लेक्टेड रे हमारी आँख में जब इंटर करती तभी वो ट्रांसपेरेंट चीज़ हमें दिखाई देती है। कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास है तो क्या वो ग्लास आपको दिखाई नहीं देता? दिखाई देता है। उस पर जो लाइट गिर रही मैक्सिमम लाइट उस ग्लास के पार निकल जाती है, लेकिन कुछ लाइट उस ग्लास से रिफ्लेक्ट होती है जो आपकी आँख में इंटर करती है, तो आपको ग्लास क्या होता है? दिखाई देता है। तो जो पोर्शन ट्रांसपेरेंट मीडियम से रिफ्लेक्ट होता है वो पार्शियली पोलराइज्ड हो जाता है, यानी आंशिक ध्रुवित हो जाता है। आंशिक ध्रुवित का मतलब उसमें जो वेक्टर्स हैं अब वो प्रकाश चलने की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में नहीं रह जाते, कुछ डायरेक्शन से गायब हो जाते हैं। हालांकि सिंगल डायरेक्शन में भी हो ऐसा भी नहीं है, अगर सिंगल डायरेक्शन में बसते हैं तो प्लेन पोलराइज हो जाती। तो जैसे मान लीजिए कोई एक ग्लास स्लैब ही चली, मान लीजिए ग्लास स्लैब है ये, और इसमें एक अनपोलराइज लाइट यानी अद्वित प्रकाश की किरण गिरती है जिसमें वेक्टर्स लाइट प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहे हैं। जब ये गिरी तो इसका जो पार्ट यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है ये पार्शियली पोलराइज हो जाती है, यानी इसमें वेक्टर्स के जो वाइब्रेशन हैं वो अब सभी डायरेक्शन में नहीं रह जाते। जैसे मैं ये दिखा रहा हूँ कि ऐसे से भी हो रहे हैं, ऐसे से भी हो रहे हैं, तो ना तो ये प्लेन पोलराइज है, प्लेन पोलराइज होती है तो केवल एक ही डायरेक्शन में होते, ना ये अनपोलराइज है यानी अद्वित भी नहीं ध्रुवित भी नहीं, अद्वित होती तो सभी डायरेक्शन में होते, ध्रुवित होती तो केवल एक डायरेक्शन में होते। अब इसमें ऐसे भी हो रहे हैं ऐसे भी हो रहे हैं लेकिन सभी डायरेक्शन में नहीं हो रहे हैं, तो ना तो ये ध्रुवित है और ना ही ये अद्वित है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ये आंशिक ध्रुवित है, पार्शियल पोलराइज है। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण हम बदलें, इस किरण को अलग अलग कोण पर आपतित करें, तो हम ये देखते हैं इसके बदलने के साथ साथ यहाँ जो डिग्री ऑफ पोलराइजेशन है वो भी बदलती जाती है, यानी पहले जितने डायरेक्शन में वेक्टर्स थे हो सकता है वो घटने लगे, और एक निश्चित आपतन कोण पर, एक निश्चित आपतन कोण पर ये परावर्तित प्रकाश की किरण पूर्णतया ध्रुवित हो जाती है, यानी ये जो है ये बिल्कुल प्लेन पोलराइज हो जाती है, मतलब इसमें वाइब्रेशन जो होंगे वेक्टर्स के वो केवल एक ही डायरेक्शन में रह जाते हैं। ठीक, तो वो निश्चित आपतन कोण जो है इसे हम लोग कहते हैं ध्रुवण कोण, पोलराइजिंग एंगल बोलते हैं। ठीक, पोलराइजिंग एंगल बोलते हैं तो किससे दिखाते हैं? आईपी से दिखाते हैं। ठीक, तो ये आपतन कोण, ठीक, वो आपतन कोण जिसके लिए परावर्तित प्रकाश की किरण पूर्णतया समतल ध्रुवित हो जाती है, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द रिफ्लेक्टेड रे इज फुली प्लेन पोलराइज इज कॉल्ड एंगल ऑफ पोलराइजेशन, ठीक, या पोलराइजिंग एंगल बोलते हैं इसे हम लोग, ठीक, ध्रुवण कोण। अच्छा, ये जो वाइब्रेशन इसमें जब एक ही डायरेक्शन में रह जाते हैं तो ये ध्यान रखना है आपको कि वो हमेशा प्लेन ऑफ इंसिडेंस के लंबवत रह जाते हैं। प्लेन ऑफ इंसिडेंस मतलब आपतन तल, आपतन तल देखो ये जो आपतित किरण है ये किस तल में है? बोर्ड के तल में है। ठीक, तो जो परावर्तित किरण जब पूर्णतया ध्रुवित हो जाती है तो इसमें जो कंपन होते हैं वो आपतन तल के लंबवत रह जाते हैं। आपतन तल यहाँ कौन है? आपतित किरण किस तल में? बोर्ड के तल में। तो इसमें जो कंपन होंगे वो बोर्ड के तल के लंबवत रह जाएंगे, यानी इसमें कंपन इस डायरेक्शन में रह जाएंगे, ऐसे केवल एक ही डायरेक्शन में। ठीक, अच्छा, इसका जो पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा, अब चूंकि ये विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब के पास आ जाती है थोड़ा सा ऐसे, ये पार्शियली पोलराइज रहेगा, यानी ये प्रकाश आंशिक ध्रुवित रहता है, इसमें कंपन सभी दिशाओं में नहीं रहते और केवल एक दिशा में हो रहे हो तो ऐसा भी नहीं रहता है। तो ये मान लीजिए ओ पॉइंट इसको नाम दे दें, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई और ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई। ठीक, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण अपवर्तन कोण कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर से दिखाएंगे। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है, और हमें पता है परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है, तो इसको अगर आईपी से दिखाया है तो इसको भी हम लोग आईपी लिख सकते हैं। ब्रूस्टर एक साइंटिस्ट थे, क्या नाम है इनका? ब्रूस्टर। तो ब्रूस्टर ने बताया कि किसी भी पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक, जैसे अगर ग्लास की स्लैब है
तो अगर हम मान लें कि इस कांच की सिल्ली का जो अपवर्तनांक है वो एन है या म्यू है, ठीक है, तो अगर हम मान लें इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो ब्रूस्टर के अनुसार किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ पोलराइजेशन या पोलराइजिंग एंगल जो होता है आईपी, इसमें इन्होंने रिलेशन बताया कि म्यू बराबर होता है टेन आईपी के, म्यू बराबर होता है टेन आईपी के, ये ब्रूस्टर लॉ कहलाता है, जिसके हिसाब से किसी भी पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक और उसके लिए जो ध्रुवण कोण है उसमें संबंध होता है म्यू बराबर टेन आईपी, ठीक, तो म्यू इक्वल टू टेन आईपी, ये रिलेशन होता है, ठीक। हम सभी ट्रांसपेरेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानते हैं, म्यू हमें सबका पता है, ठीक, तो म्यू जानते हैं तो म्यू इक्वल टू टेन आईपी लगा करके उससे आईपी निकाल लो, यानी उस ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए पोलराइजिंग एंगल क्या होगा, जो ध्रुवण कोण पता लग जाएगी, जैसे मान ली पता लग गया पोलराइजिंग एंगल 53 डिग्री होगा, तो जिस रे को तुम्हें क्या करना है प्लेन पोलराइज करना है उसे ऐसे यहां पर डालिए कि जो आपतन कोण है वो 53 डिग्री हो। अब चूंकि आपतन कोण ध्रुवण कोण के बराबर है तो नियम के अनुसार अब परावर्तित किरण क्या होगी, पूर्णतया ध्रुवित होगी, इसका मतलब उस स्लैब से जो भी रिफ्लेक्टेड लाइट मिल रही है हमें वो क्या होगी, वो प्लेन पोलराइज लाइट होगी। समझ में आ गई बात, ठीक, चलिए। तो इस तरीके से हम पहले ब्रूस्टर लॉ लगा करके, म्यू पता है तो ब्रूस्टर लॉ लगा करके पहले हम लोग आईपी निकाल लेंगे, उस ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए आईपी कितना है, और जब आपको आईपी मिल जाएगा तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर मान लीजिए निकल आया आईपी 53 डिग्री है, तो मैंने बताया कि अब रे को आप 53 डिग्री पर इंसिडेंट करिए तो आपको परावर्तित प्रकाश जो मिलेगा वो पूर्णतया ध्रुवित मिल जाएगा, ठीक। तो ये है समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की परावर्तन विधि। जब भी कोई अध्रुवित प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से परावर्तित होती है, अनपोलराइज लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे पार्शियली पोलराइज होती है यानी आंशिक ध्रुवित होती है, एक निश्चित आपतन कोण पर एक सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ये रिफ्लेक्टेड रे जो है वो पूरी तरीके से प्लेन पोलराइज यानी समतल ध्रुवित हो जाती है। इस निश्चित आपतन कोण को हम ध्रुवण कोण कहते हैं, पोलराइजिंग एंगल कहते हैं, ठीक। ब्रूस्टर के हिसाब से किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इस पोलराइजिंग एंगल में रिलेशन होता है म्यू इक्वल टू टेन आईपी। ये म्यू इक्वल टू टेन आईपी जो है फॉर्मूला, इससे म्यू पता होने से हमें आईपी पता लग जाता है, और किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम के जब आईपी निकला है मान लीजिए पता लगा इसके लिए 60 डिग्री है, तो रे को हम ऐसे डालेंगे कि वो इस सरफेस पर 60 डिग्री के एंगल पर गिरे, और जैसे ही 60 डिग्री के एंगल पर गिरेगी, जो कि 60 इसके लिए क्या है, पोलराइजिंग एंगल है, ध्रुवण कोण है, और ध्रुवण कोण के बराबर आपतन कोण होगा तो परावर्तित किरण जो मिलेगी आपको ध्रुवित मिलेगी। इस तरीके से हम परावर्तन विधि द्वारा प्रकाश का ध्रुवण कर लेते हैं, ठीक। इसमें हमें दो, ये हमने एक मेथड तो सीखा ही पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन, लेकिन इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें जैसे पोलराइजिंग एंगल ध्रुवण कोण क्या होता है जाना, ब्रूस्टर लॉ हम लोगों ने जाना, ठीक। अब एक क्वेश्चन और भी देख लेते हैं, वो ये कहते हैं कि जब भी कभी अध्रुवित प्रकाश की किरण, ठीक, के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण ध्रुवण कोण के बराबर होगा, जब कभी आपतन कोण ध्रुवण कोण के बराबर होगा यानी आई बराबर आईपी होगा, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो ट्रांसमिटेड रे है, ठीक, परावर्तित और अपवर्तित किरणें ये दोनों हमेशा एक दूसरे पर लंब होती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, इनके बीच बनने वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ये हमें प्रूफ करना है, तो देखिए जरा कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग इसको, फिगर तो बना ही हुआ है, चलिए प्रूफ कर लेते हैं। हमें दिखाना है कि आपतन कोण जब ध्रुवण कोण के बराबर होता है, तो हमने मान लिया कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये पोलराइजिंग एंगल आईपी के बराबर है। अब आपतन कोण जितना होता है परावर्तन कोण भी उतना ही होता है, तो इसको भी हमने आईपी नोट कर दिया। हमें दिखाना है कि परावर्तित किरण ओआर और अपवर्तित किरण ओएस एक दूसरे पर लंब है, परपेंडिकुलर है। सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्रूस्टर लॉ से म्यू बराबर होगा टेन आईपी के। हो सकता है नोट्स में म्यू से नहीं बल्कि एन से दिखाया गया हो, मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि अपवर्तनांक को हम लोग एन या म्यू से दिखाते हैं, ठीक। तो ब्रूस्टर लॉ से तो म्यू बराबर टेन आईपी हो गया, लेकिन इस सरफेस पर अगर स्नेल्स लॉ लगाएं तो स्नेल्स लॉ से आप जानते हैं कि म्यू बराबर होगा साइन आईपी अपॉन साइन आर। स्नेल्स लॉ तो याद होगा ना, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन, और वो कहलाता है पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, ठीक, और यहां पहले के रिस्पेक्ट में दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू, ठीक। तो म्यू इक्वल टू, अच्छा उससे पहले म्यू इक्वल टू टेन आईपी होता है, अच्छा टेन को हम लोग लिख सकते हैं साइन आईपी अपॉन कॉस आईपी, इक्वेशन नंबर वन।
ये तो ब्रूस्टर ला से। अब स्नेल्स ला से स्नेल्स ला लगाएं अगर, ये तो ब्रूस्टर ला है, अब स्नेल्स ला लगाते हैं अगर हम लोग, तो उसके हिसाब से म्यू बराबर होगा साइन आई अपॉन साइन आर, यानी साइन आई पी अपॉन साइन आर। ये भी म्यू की वैल्यू और ये भी म्यू की वैल्यू है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू साइन आई पी अपॉन कॉस आई पी इक्वल टू साइन आई पी अपॉन साइन आर, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर ले लीजिए, इसको इधर, तो साइन आर इक्वल टू कॉस आई पी। कॉस आई पी को हम लोग साइन 90 डिग्री माइनस आई पी लिख सकते हैं भाई, साइन 90 माइनस आई पी क्या हो जाता है, कॉस आई पी हो जाता है, तो इसको हम लिखे साइन 90 माइनस आई पी। अच्छा, दोनों तरफ से साइन हट जाएगा तो आर इक्वल टू आ गया 90 डिग्री माइनस आई पी, तो यहां से आई पी प्लस आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये भी आपको याद रखना है कि पोलराइजिंग एंगल और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है, यानी जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुवण कोण पर आपतित होती है उस समय ध्रुवण कोण और अपवर्तन कोण का जो योग होता है वो 90 डिग्री होता है। कुछ बहुत छोटे छोटे एक एक नंबर के न्यूमेरिकल लगाने में कभी कभी ये फार्मूला यूज में आएगा, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, आपने एक फार्मूला याद किया म्यू बराबर टेन आई पी, ये फार्मूला ब्रूस्टर ला। अब आपको ये याद रखना है कि जब आपतन कोण ध्रुवण कोण के बराबर होता है, हमेशा नहीं होगा कि हमेशा आपतन कोण और अपवर्तन कोण का योग 90 नहीं होगा, जब ये आपतन कोण ध्रुवण कोण के बराबर होगा, पोलराइजिंग एंगल के बराबर होगा, उस समय आई पी और आर का सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक। कैसे किया, सिंपल है, पहले ब्रूस्टर ला लगाया म्यू इक्वल टू टेन आई पी, टेन आई पी को लिख दिया साइन आई पी अपॉन कॉस आई पी, फिर स्नेल्स ला लगाया म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, दोनों म्यू की वैल्यू बराबर की, साइन आई पी कैंसिल हो गया, साइन आर कॉस आई पी, कॉस आई पी की जगह लिख देंगे हम लोग साइन 90 माइनस आई पी, साइन दोनों तरफ से हट जाएगा, ये आ गया, इतना क्लियर है ये बात, ठीक। अब अगर हम लोग देखें, इधर कर दिया जाए छोटा सा फिगर से, अगर आप देखिए तो ये आई पी, ये एंगल आर ओ एस, ये बीच वाला एंगल और ये आर, ठीक। तो इधर बता दें, यहां बता देते हैं, ठीक, इस जगह पर तो आई पी प्लस, चलिए इस एंगल को बीच को हम थीटा मान लेते हैं, थीटा प्लस आर इक्वल टू 180 होगा कि नहीं होगा, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो रहा है भाई, ये प्लस ये प्लस ये, यही तो बना रहा है। अच्छा, इसमें से आई पी प्लस आर की वैल्यू 90 डिग्री है, तो आई पी प्लस आर की वैल्यू 90 डिग्री रख दे, तो 90 प्लस थीटा इक्वल टू 180, तो यहाँ थीटा बराबर आ जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा एंगल है रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे, यानी परावर्तित और अपवर्तित किरणों के बीच का कोण, और वो 90 है, तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है, इससे प्रूफ हो रहा है कि रे ओ आर परपेंडिकुलर है रे ओ एस के, ओ आर और ओ एस के बीच का एंगल 90 डिग्री प्रूफ हो गया। अगर ये प्रूफ हो गया कि ये एंगल 90 डिग्री है, तो फिर इसका मतलब ये रे और ये रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जो क्वेश्चन था कि सिद्ध करिए, जब आपतन कोण ध्रुवण कोण के बराबर होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है ये पोलराइजिंग एंगल के बराबर होता है, उस समय रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड रे या रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, तो ये हम लोगों ने इसको प्रूव कर लिया, ठीक। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया सबने इसका स्क्रीनशॉट, चलिए तो ये आपको इतनी चीजें आज नोट्स से तैयार करनी, जिनके पास नोट्स हैं, नोट्स नहीं तो मैंने समझा दिया है, बाकी आपने बुक वगैरह से तैयार करना है।
अनपोलराइज लाइट क्या होती है, पोलराइज लाइट क्या होती है, लाइट का पोलराइजेशन क्या होता है, यानी आध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश और प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है। उसके बाद में परावर्तन विधि हम लोगों ने पढ़ी, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की। उसमें हम लोगों ने ध्रुवण कोण जाना क्या होता है, एक नंबर में डेफिनेशन पूछी जा सकती है, ब्रूस्टर लॉ जाना, ठीक है। और हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी प्रूव किया कि जब आपतित किरण ध्रुवण कोण पर आपतित होती है तो परावर्तित और अपवर्तित किरणें एक दूसरे पर लंब होती हैं। क्लियर है? तो इतना तैयार करिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर की थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।